11 माह से आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिला वेतन, कलेक्टर से लगाई गुहार। खबर शिवपुरी से आ रही है। शहरी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं को 11 माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में आज उन्होंने कलेक्टर से जनसुनवाई में जाकर वेतन की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार समस्त कार्यकर्ता जो कि शहरी क्षेत्र करैरा से है, उन्होंने बताया कि तो आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य करती है और 11 पिछले माह से वेतन नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का भरण पोषण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी बीसीएम करैरा, बीएमओ करैरा को एवं अनुविभागीय अधिकारी को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से इस समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता है इसी माह वेतन खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक आशा कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिला है। इसलिए आज जल्द से जल्द वेतन उन्हें दिए जाए, कलेक्टर से ऐसी मांग की है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम नीतू भार्गव है, करैरा से आए हैं हम। स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता हैं। क्या शिकायत है? हमारा 11 महीने से वेतन नहीं आया, तो हमने सब जगह आवेदन लगा लिया था, एसडीएम साहब के यहाँ पे लगा दिया था आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुई। और शिवपुरी में कलेक्टर साहब भी आए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जसवंत सिंह आए थे ना, जब शिवराज सिंह आए थे तो हमको बीसीएम ने मना कर दिया था, बोले वहाँ नहीं जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम उनके कहने से रुक गए, बोला तुम्हारा मैं ले रहा हूँ गारंटी, दो दिन के अंदर आपकी तनख्वाह आ जाएगी। तो बस फिर उनके जाने के बाद उल्टा सीधे बोलते हैं हमसे कि शिकायत करने जाते हैं तो बुला लेता, डाल दूंगा आपको। कहीं पे भी शिकायत करते हैं तो हमको बार बार सीएससी को बुला लेते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा डल जाएगा। फिर उसके बाद ना फिर धमकी दे देते हैं, नहीं है कोई हटाने की धमकी दी जाती है। हटाने की धमकी कहते हैं, मैंने हटाना कर दिया है, पुरानी को हटाना है, नई नियुक्ति पैसे लेके नई नियुक्ति करते हैं। जब तुम्हारा 11 माह से वेतन नहीं मिला तब तक तुम लोगों ने कैसे किया अपना? जब तक हमको घुमाया गया, बोला डल जाएगा करते रहे, डल जाएगा बोला, गारंटी हम नैन्सी चौहान का कह रहे हैं। हाँ बस ऐसे ही घुमाते रहे, बोला मैं गारंटी लेता हूँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी पास बीसीएम की। कुछ नहीं, उनने आवेदन ले लिया और कुछ बोल दिया, कार्रवाई होगी, बोला सुनवाई भी, बस यही कहा गया। हम इस ये चाहते हैं कि हमारी 11 महीने की तनख्वाह दी जाए और हर महीने हमारा जो पैसा डलता था 3,000 रुपए वो चलता रहे। हमने शिकायत की है तो अब वो जी कह रहे हैं कि क्या नाम से कर दिया है, अब नवल जी चौहान नहीं कर रहा है। और वो ये भी कहते हैं 3,000 से आपका वेतन 2,000 हो गया, तो 1,000 हमारा वेतन कम क्यों हुआ? दुनिया का वेतन बढ़ता है, हमारा कम क्यों हुआ?